गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी ने पिछली क्लास में पॉलीगन टूल का उपयोग किया था, पॉलीगन की मदद से आप सभी ने बहुत से चित्रों को बनाया था। क्या आप सभी को याद है कि आपने कौन-कौन से चित्रों को बनाया था? आपने पिछली क्लास में पॉलीगन टूल की मदद से ताज, ट्री, ट्रायंगल इत्यादि चित्रों को बनाया था। क्या आप सभी बता सकते हैं कि पॉलीगन टूल क्या होता है? पॉलीगन टूल लाइन टूल की तरह काम करता है, लेकिन लाइन टूल से आप कहीं भी कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगन टूल की मदद से कोई लाइन अथवा ड्राइंग को बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं पॉलीगन में बिना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाए क्या किसी चित्र को पूरा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पॉलीगन टूल की मदद से जब कोई चित्र बनाते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होनी चाहिए। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में आप सभी पॉलीगन टूल का अभ्यास करेंगे। पॉलीगन टूल की मदद से हम जो आज चित्रों को बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, अल्फाबेट्स के वर्ड एच और कंप्यूटर शिक्षा को पॉलीगन टूल की मदद से बनाएंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि इस चित्र को क्या कहते हैं। यह चित्र एक बटरफ्लाई का है। इस चित्र को बनाने के लिए आप कौन से टूल का उपयोग करेंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप पॉलीगन टूल का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अगर आपको इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बना सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को पॉलीगन टूल पर लेकर आएं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, फिर साइज पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद साइज के प्रकार में से एक साइज को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऐसे पॉलीगन या लाइन को ड्रैग करें। जैसे कि आपका एक ओवल का शेप बन जाएगा पॉलीगन से, उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन या पॉलीगन को ड्रैग करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ऐसे एक और पॉलीगन को ड्रैग करें, नीचे की तरफ लेकर आए पॉइंटर, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे साइड पे रखें, क्लिक कर दें, उसके बाद ऊपर की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, क्लिक कर दें, जिससे कि अब आपका ये पॉलीगन या बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंटर को लेकर आए, कलर को चेंज करें, ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें या पॉलीगन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें लेफ्ट बटन, फिर नीचे की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, क्लिक कर दें, फिर उसके बाद यहां से ऐसे लाइन को मिला दें, जिससे कि अब आपका यह पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब यहां दूसरे जगह पॉइंटर को रखें, लाइन या पॉलीगन को ड्रैग करें ऐसे, फिर उसके बाद यहां पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें,
फिर यहाँ पे रखें, क्लिक कर दें, फिर अब यहाँ पे उसके बाद पॉइंटर को यहाँ पे रखें और इस लाइन को मिला दें, जिससे कि अब आपका यह पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब ऐसे ही दूसरी साइड बनाना है, पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, ऐसे लाइन या पॉलीगन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, नीचे की तरफ लेकर आए, उसके बाद यहाँ से ऐसे इस लाइन को मिला दें, जिससे कि अब आपका यह पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब उसके ठीक नीचे ऐसे, उसके बाद एक और नीचे ऐसे लाइन को ड्रैग करें या पॉलीगन को, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें लेफ्ट बटन, फिर यहाँ पे रखें, क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ लेकर आए और इस लाइन को मिला दें। इस तरह से अब आपका यह पॉलीगन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटरफ्लाई का चित्र बना सकते हैं। अब इस चित्र को आप खुद से बनाकर दिखाएं। यह चित्र एच अल्फाबेट का है। अगर फिर भी आप सभी को इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से बना सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को पॉलीगन टूल पर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें और पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद पेंट की सीट पर पॉइंटर को लेकर आए, फिर ऐसे नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर यहां पे ऐसे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, उसके बाद ऊपर की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, क्लिक कर दें, फिर उसके बाद यहां पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, अब नीचे की तरफ पॉइंटर को लाएं, क्लिक कर दें, फिर यहां पे ऐसे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, ऊपर की तरफ पॉइंटर को लेकर जाएं, यहां पे क्लिक कर दें, फिर साइड में यहां पे रखें, क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, यहां पर क्लिक कर दें, उसके बाद यहां पर क्लिक कर दें, फिर आप ऊपर की तरफ पॉइंटर को लेकर आए, यहां पर क्लिक कर दें, उसके बाद यहां पे मिला दें, जिससे कि अब आपका यह पूरा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर कलर को फिल करने के लिए आप फिल विद कलर को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद कलर को चेंज करें, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे अंदर यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका इस चित्र के अंदर कलर भर जाएगा। तो इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें, यह कंप्यूटर शिक्षा का है। क्या आप बता सकते हैं कि आप इस चित्र को कैसे बनाएंगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चित्र को पॉलीगन टूल की मदद से बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर कलर को फिल करने के लिए फिल विद कलर का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो आप सभी इस चित्र को बनाने के लिए
वीडियो को देखें और साथ में इस चित्र को बनाएं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को पॉलीगन टूल पर लेकर आएं और इसे सेलेक्ट करें। फिर ऐसे पॉलीगन को ड्रैग करें, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें। ड्रैग करते हुए सी को बनाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। छोटी छोटी लाइन या पॉलीगन को ड्रैग करें, फिर ऐसे लास्ट में लाके पॉलीगन को मिला दें। अगर कोई पॉलीगन आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे अंडू के द्वारा मिटा के दोबारा से बना सकते हैं। उसके बाद आप पॉलीगन टूल के द्वारा ओ को बनाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऐसे छोटी छोटी लाइन को ड्रैग करें और फिर लास्ट में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पॉइंट, फिर वहीं पे लाके मिला दें, जिससे कि आपका ओ बन जाएगा। उसके बाद ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें फिर यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, ऊपर की तरफ लेकर जाएं, क्लिक कर दें। अब नीचे की तरफ पॉइंटर को लेकर आएं, क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस लाइन को मिला दें, जिससे कि अब आपका एम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आप नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, उसके बाद यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखें, लाइन को मिला क्लिक कर दें। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे छोटे छोटे लाइन को ड्रैग करें, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन को मिला दें, जिससे कि पी बन जाएगा। अब इसको डिजाइन करने के लिए फिर बीच में ऐसे एक और छोटे से लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे छोटे छोटे लाइन को ड्रैग करें, इनको आपस में मिला दें, जिससे कि अब आपका पी थोड़ा और डिजाइन में हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे लाइन को डिजाइन करके यू को बनाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बार बार आपको क्लिक करना है, फिर लाके आपको एंडिंग पॉइंट मिला देना है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, जिससे कि अब आपका यू भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे सीधे एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद नीचे की तरफ लाइन को रखें, फिर यहाँ पे साइड में क्लिक कर दें, फिर नीचे की तरफ लेकर आए लाइन को। अब यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद ऊपर की तरफ लेकर जाएं, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, अब इस लाइन को मिला दें, जिससे कि अब आपका टी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधे एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे लाइन को क्लिक कर दें, ऊपर की तरफ पॉइंटर को ले जाएं, क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, इनको आपस में मिला दें, जिससे कि अब आपका ई कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आर बनाना है, फिर से यहाँ पे सीधे लाइन को लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइन को ड्रैग कर दें या पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, ऊपर की तरफ लेकर जाएं, क्लिक कर दें, फिर नीचे की तरफ लेकर आए, क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइन को ड्रैग कर दें या पॉलीगन को, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइन को ऐसे ड्रैग करें,
फिर इनको आपस में मिला दें, जिससे कि अब आपका आर बन जाएगा। अब इसके बीच में ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन कर दें। जैसे कि अब आपका आर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने पॉइंटर को नीचे की तरफ लेकर आए, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइन को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइनों को ड्रैग करते रहें और फिर इस लाइन को वहाँ पे लाकर मिला दें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जिससे कि अब आपका एस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधी एक लाइन को ड्रैग करें उसके बाद यहाँ पे छोटा सा, फिर ऊपर की तरफ पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ से ऐसे, उसके बाद फिर पॉइंटर को नीचे की तरफ रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे ऐसे। अब ऊपर की तरफ लाइन को लेकर आए, इनको आपस में मिला दें। अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे अंडू करके हटा दें। उसके बाद यहाँ पे सीधी एक लाइन को ड्रैग करें, यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, नीचे की तरफ लेकर आए पॉइंटर को, क्लिक कर दें। अब ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर यहाँ पे छोटा सा एक लाइन को ड्रैग कर दें, यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, फिर अब यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन को मिला दें। इस तरह से आपका एच बन जाएगा। फिर अब एक ऐसे सीधी लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन को रखें, ऊपर की तरफ लेकर जाएं पॉइंटर को, क्लिक कर दें। मिस्टेक हो जाता है, फिर से इसको अंडू करके हटा लें। यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन को ड्रैग करें, नीचे की तरफ लेकर आए, यहाँ पर क्लिक कर दें, फिर नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे ऐसे मिला दें लाइन को, फिर ऊपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पे अब इस लाइन को आपस में मिला दें। तो इस तरह से आपका आई कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब सीधी लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, अब ऊपर की तरफ पॉइंटर को ले जाएं, क्लिक कर दें, फिर ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए या पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, उसके बाद छोटी सी लाइन को ड्रैग करें, फिर अब यहाँ पे पॉइंटर को लाएं, क्लिक कर दें, फिर उसके बाद पॉइंटर को यहाँ पे रखें, क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे छोटी सी एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद पॉइंटर को नीचे लाएं और फिर इसको आपस में मिला दें, जिससे कि आपका के बन जाएगा। अगर ख़राब हो जाता है तो उसे अंडू करके हटा लें और फिर दोबारा से बनाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सीधी लाइन को लेकर आना है, उसके बाद छोटी सी लाइन को ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लेकर आना है, फिर छोटी सी लाइन को ड्रैग करना है, उसके बाद इसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो पॉइंटर को यहाँ पे रखना है, क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे फिर छोटी सी एक लाइन को, उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को रखना है, क्लिक कर देना है,
फिर आपको यहाँ पे ऐसे लाइन को मिला देना है, ऊपर की तरफ लाना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है, जिससे कि आपका के बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइन को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऐसे छोटे छोटे लाइन को ड्रैग करके आप एस को बनाएं, फिर लास्ट में आप वहीं पे लाके मैच करा दें जहां से आपने स्टार्ट किया था। इस तरह से आपका एस बन जाएगा। फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद ऊपर की तरफ पॉइंटर को रखें, क्लिक, ऐसे लाइन को मिलाते रहें, क्लिक करते रहें। जिससे कि आपका एज बन जाएगा। फिर अब यहां पे ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को रखें, क्लिक कर दें, उसके बाद नीचे की तरफ लाइन को लेकर आएं या पॉइंटर को क्लिक कर दें, यहाँ पे छोटा सा एक लाइन ड्रैग कर दें, पॉइंटर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, क्लिक कर दें, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, जिससे कि अब आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे छोटे से लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, उसके बाद ऐसे बॉक्स को मिला दें या लाइन को, जिससे कि आपका ए बन जाएगा। अब आप सभी अपने पॉइंटर को फिल विद कलर टूल पे लेकर आए और उसे सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, सी के अंदर कलर को फिल करें, फिर कलर को चेंज करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, ओ के अंदर फिर कलर को चेंज करें, एम के अंदर कलर फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें, पी के अंदर भर दें कलर, फिर कलर को चेंज करें, यू के अंदर कलर फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें, टी के अंदर कलर भर दें, फिर कलर को चेंज करें, ई के अंदर कलर भर दें, फिर कलर को चेंज करें, आर के अंदर भर दें, फिर आप कलर को चेंज करें, एस के अंदर कलर को भर दें, फिर कलर को चेंज करें, एच के अंदर कलर को भर दें, फिर कलर को चेंज करें, आई के अंदर भर दें, फिर कलर को चेंज करें, के अंदर कलर को फिल कर दें, उसके बाद फिर कलर को चेंज करें, एस के अंदर कलर भर दें, फिर कलर चेंज करें, एच के अंदर कलर को फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें और यहाँ पे ए के अंदर भर दें। इस तरह से अब आपका यह भी चित्र बन जाएगा। अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करें और सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने पॉलीगन टूल का अभ्यास किया और इसकी मदद से आपने बहुत से चित्र भी बनाया, जैसे कि बटरफ्लाई, कंप्यूटर शिक्षा के चित्र भी इत्यादि।